एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के द्वारा द्वितीय कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित किया गया। जुनेजा जी, उनकी पत्नी मेघा जुनेजा जी और उनकी माँ जुनेजा जी और तमाम देश के ज्योतिषाचार्य भी आए, लोग भी आए। मुझे बड़ी हर्ष का अनुभव रहा और इन्होंने अपनी बात जो रखी कि उनके जो साइंस है, इनका जो विषय है, उसको चुनौती मिल रही है और इसलिए उसके काम करने की आवश्यकता है। काम करके ये स्थापित करें कि यह आकलन और कोई इमेजिनेशन, कल्पना की विषय नहीं है, बल्कि इसमें तर्क है और साइंस है। तो यह चुनौती तो उन्हीं को स्वीकार करना चाहिए। मैंने कहा कि आप लोग सिद्ध करने की कोशिश करें। सर, एक मैंने अभी जो गुजरात में चुनाव चल रहा है उसके बारे में क्या डिस्कशन होता है? तो इसमें कोई राजनीति नहीं है। हाँ, गुजरात में हमारी पार्टी बीजेपी जीते। हारने वाले क्या कहना है? जो हार सर, बेलगन योजना का स्वागत है सर। इस ज्योतिष सम्मेलन के लिए आप क्या कहना चाहिए? कुछ लोग इसको मानते हैं ज्योतिष को, कुछ लोग नहीं। मेरी शुभकामनाएं, मैंने कहा ये चुनौती ज्योतिषाचार्यों के सामने है, उनके समक्ष है कि वो सिद्ध करें कि एक तर्क है, इसमें साइंस है, विज्ञान है। समझाना तो उन्हीं को पड़ेगा जो जो जिनका यह विषय है। तो यथार्थ जो सच्चाई है, सच है, उसको जनता के सामने है। क्या आप ज्योतिष को मानते हैं? ज्योतिष को मतलब मैं अपने अपने कामों हाथों के अपने हाथों और अपने दिमाग के अकेले करता हूँ सर।